चलो देखते हैं एक बार। 200 लोगों के लिए हमने आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक का खर्चा निकालना है। भाई 200 लोगों में भाई कितनी कोल्ड ड्रिंक लग जाएगी, कितनी आइसक्रीम लग जाएगी भाई। ठीक है, हमने ये देखना है सबसे पहले तो एक व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक की औसत कितनी निकलेगी। लगभग हम देखते हैं एक बोतल जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की होगी वो 7 लोगों के लिए, ठीक है, 7 लोगों के लिए औसत निकलती है यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की। क्यों, 2 से 3 गिलास एक व्यक्ति पी जाता है इसलिए 7 लोगों की औसत निकलती है। 7 × 21 यानी कि 210 लोगों के लिए हमने भाई कितनी कोल्ड ड्रिंक खरीदनी है। एक पेटी के अंदर 9 बोतल आती हैं, 9 × 30 = 27, लगभग हमने 3 कोल्ड ड्रिंक की पेटी खरीदनी होगी, जो कि आपकी मर्जी भाई, कोक हो या डू हो, स्प्राइट हो, आपकी इच्छा है भाई। ठीक है, और आपने यदि प्राइस की बात करें तो भाई आपने ये देखना भाई किसी होलसेल के पास लेते हो या किसके पास लेते हो। लगभग मैंने 70 रुपये प्राइस लगाया यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक का, जो कि किसी दुकानदार के पास लेते हो या होलसेल में लेते हो। ठीक है, जो कि 90 रुपये की बोतल है तो वो 70 रुपये तक आपको मिल सकती है होलसेल में। 27 बोतल का यदि हम ठंडे का पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर 1900 रुपये हमारे कोल्ड ड्रिंक के खर्चा है। ठीक है, एक व्यक्ति वही 2 से 3 गिलास पीता है तो उसका मैंने यहाँ पर गिलास का प्राइस लगाया हुआ है जो कि 300 रुपये गिलास का, जो हमारे टोटल 2200 रुपये हो गए। प्रति व्यक्ति की हम औसत निकालते हैं तो 11 से 12 रुपये प्रति व्यक्ति का कोल्ड ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसका मैक्सिमम एक व्यक्ति का खर्चा होगा 11 से 12 रुपया एक व्यक्ति का खर्चा है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं आइसक्रीम की। ठीक है, एक व्यक्ति यदि आइसक्रीम खाता है तो लगभग 60 ग्राम की औसत आ जाती है एक व्यक्ति की। क्यों, यदि कोई भी प्रोग्राम है टेंट के अंदर, आते हुए सबसे पहले आइसक्रीम खाता है, फिर खाना खाने के बाद थोड़ी सी आइसक्रीम और लेता है, फिर जाते समय भी आइसक्रीम लेता है। लगभग ऐसे लोग देखते हैं 3 बार आइसक्रीम की औसत निकल जाती है प्रति व्यक्ति की, जिसमें कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं एक बार खाते ही चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए 2 से 3 लोगों की औसत यहाँ पर निकलती है, तो हम उसके अनुसार हमने 60 ग्राम प्रति व्यक्ति की आइसक्रीम की औसत निकाली है। 4 लीटर के यदि हम डब्बे लेते हैं तो 7 डब्बे लग जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, और 1 1 लीटर के यदि आइसक्रीम के डब्बे लेते हैं तो 28 डब्बे लग जाते हैं। 4 लीटर वाले 27, 1 लीटर वाले 28 डब्बे, ये आइसक्रीम की मैंने टोटल औसत निकाली है। लगभग 1600 रुपया खर्चा यहाँ पर मैंने आइसक्रीम के खर्चे निकाले हैं, जो कि 200 लोगों में 200 से 225 भी निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो कि 300 से 400 रुपया जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है या 500 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज होता है जो कि लेकर के आता है आइसक्रीम, वो अलग से है, और जो स्टाइल के अंदर व्यक्ति होता है वो अलग से होता है। लगभग 1900 रुपया खर्चा आइसक्रीम का टोटल हो गया हमारे 200 लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आपने हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।